हाँ बेटा, अब किसी को आज कोई प्रॉब्लम है किसी भी उसमें तो पूछ लो बेटा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। किसी को वापस रिपीट करवाना हो और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो बॉटनी के कोर्स में अभी तक जो मैंने कराया है उसको पूछ लो, या कल परसों जो कराया था, किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। हाँ बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लो, कोई भी दिक्कत हो। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ बेटा, फर्स्ट ईयर वाले, मैम, आपने जो कल पढ़ाया था आज पढ़ाओगे ना, उसके उसके पेज सेंड कर देना, मेरी बुक में है ही नहीं वो पेज। हाँ मैम। अच्छा बेटा उसकी पेज तो सेंड कर दूंगी, तो ये वाला तो हो गया आपकी प्रॉब्लम। और किसी को भी, कौन बोल रहे हैं, उसकी पेज सेंड कर देना। किस कौन बोल रहा है बेटा? पूजा मैं पूजा कुमाऊँ। भेज दूंगी बेटा, मैं पूजा को मावत आज ही भेज दूंगी, ठीक है? आपको जो कल पढ़ाया था एंथोसिरा, उसके पेज नहीं है ना आपकी बुक में, ठीक है? और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, फर्स्ट ईयर वाले, ज्योति, मीना, पिंकी चौधरी, खुशबू, सुरंजना, प्रिया, ऋषिता, ऋतिका, मनीषा कुमावत, निकिता, अंजना भी आ गई, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लो अभी। जो अपन ने किया है अब तक ब्रायोफाइट्स में, एल्गी में, बॉटनी में, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हो फर्स्ट ईयर वालों को तो पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन, नहीं तो अपन आगे शुरू करते हैं। मैम, हाँ बेटा, जो ये डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट है, उसके अंदर आर्के स्पोरिंग स्पोरिया है, वो आगे डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, वो वाला बता डेवलपमेंट, दें। एक मिनट, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट है ना, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट की बात कर रहे हो आप? हाँ, तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट में क्या पूछना चाह रहे हो यस बेटा, क्या मैम। पूछना चाह रहे हो? वापस रिपीट करना है, पूरे को करना है क्या, या आर्केस्पोरी मैम, आर्किस नो मैम, आर्किस अच्छा आर्कियोस्पोरियम वाले को स्पोर रिपीट मदर करना है? सेल एंड इलेटर मदर सेल। अच्छा, इलेटस मदर सेल, इनको यस रिपीट करना मैम। है वापस, ठीक है बेटा? मैं इसको रिपीट करती हूँ वापस, मैम इलेटस। यस मैम, हाँ हाँ बेटा, ये ऑक्टेंट के बाद से ही कर दो। ऑक्टेंट के बाद से ही कर दूँ, जब ऑक्टेंट बन जाता है तो, ठीक है बेटा? ऑक्टेंट बन जाता है तो ऑक्टेंट से ही मैं एक बार रिपीट वापस कर लेती हूँ इसको, ठीक है? तो बेटा एक बार जब अपन ने देखा था कल, वापिस से ब्रीफ बता रही हूँ। स्पोर में निषेकता में प्रथम विभाजन उदग्र भित्ति के द्वारा होता है। अब इन कोशिकाओं में दूसरा विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है। तो स्पोर में निषेकता में पहला डिवीजन कैसे होता है बेटा? वर्टिकल वॉल के द्वारा होता है, और दूसरा विभाजन निषेकताण्ड में अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है। लेकिन बेटा एंथोसीरोस क्रिस्प्यूलस में प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है, तथा द्वितीय विभाजन उदग्र भित्ति के द्वारा होता है। तो इस प्रकार निर्मित भ्रूण की चारों कोशिकाएं समान आकार की, अथवा निचली दो कोशिकाएं बड़ी होती हैं। चारों कोशिकाएं एक उदग्र विभाजन द्वारा 8 कोशिकीय भ्रूण ऑक्टेंट का निर्माण करती हैं। अब आपने कहा ऑक्टेंट से, ऑक्टेंट के बाद बता दो बेटा, 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, 4 से फिर 8 कोशिकाएं बनती हैं। इन 8 कोशिकाओं को ऑक्टेंट कहते हैं, अष्टांशक कहते हैं। तो बेटा एंथोसीरोस की विभिन्न जातियों में ऑक्टेंट की कोशिकाओं में आगे के विभाजनों में विविधता पाई जाती है। बेटा जब ऑक्टेंट बन जाता है उसके बाद क्या होता है एंथोसीरोस की विभिन्न जातियों में? तो पहला है बेटा, ये याद रखोगे, एंथोसीरोस इरेक्टस। एंथोसीरोस इरेक्टस में अष्टांशक भ्रूण ऑक्टेंट एम्ब्रियो के निचले सोपान की 4 कोशिकाएं फुट पाद का निर्माण करती हैं। क्या याद रखोगे? ऑक्टेंट एम्ब्रियो के निचले सोपान की 4 कोशिकाएं, तो 8 सेल्स बनी ना, तो 8 सेल्स हैं, 2 टीयर्स मैरिज, तो निचले सोपान की 4 कोशिकाएं फुट का निर्माण करती हैं, तथा ऊपरी सोपान की 4 कोशिकाएं कैप्सूल बनाती हैं। ये तो हुई एंथोसिरोस इरेक्टस की बात। अब एंथोसिरोस जेम्यूलोसस, तो एंथोसिरोस जेम्यूलोसस में क्या होता है?
अष्टांशक ऑक्टेट के ऊपरी सोपान में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। ऑक्टेट के ऊपरी सोपान में बेटा अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे तीन सोपान बन जाते हैं, जिससे तीन सोपान बन जाते हैं। सबसे निचले सोपान से पाद का निर्माण होता है, मतलब द लोअर मोस्ट टीयर इन एंथोसीरोस जेम्युलोसस जेम्युलोसिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द फुट। मतलब सबसे निचले सोपान से फुट पाद का निर्माण होता है, जबकि ऊपरी दोनों सोपान से कैप्सूल का परिवर्धन होता है। एंड द अपर टू टीयर्स इन एंथोसीरोस जेम्युलोसिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कैप्सूल। अब आई एंथोसीरोस क्रिस्प्यूलोसस, तो एंथोसीरोस क्रिस्प्यूलोसस अष्टांशक के दोनों सोपानों की कोशिकाओं में एक एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। मतलब एंथोसीरोस क्रिस्पुलस में जब ऑक्टेट बनता है तो इन दोनों सोपानों की कोशिकाओं में भी बेटा एक एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप चार कोशिका सोपान बन जाते हैं। इसके ऊपरी दो सोपानों से कैप्सूल का परिवर्धन होता है और निचले दो सोपानों से फुट का परिवर्धन होता है। तो भ्रूण के पाद क्षेत्र की कोशिकाओं में प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन होता है तथा इसके मैम वो इसलिए आ रही है आपकी। अच्छा, तथा इसके पश्चात आई वॉइस आई अब भ्रूण के पाद क्षेत्र, भ्रूण के पाद क्षेत्र की कोशिकाओं में प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन होता है तथा इसके पश्चात सभी तलों में विभाजन होता है। तो भ्रूण के कैप्सूल क्षेत्र की कोशिकाओं में प्रथम एक या दो अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। इन सभी कोशिकाओं में एक परिणतिक विभाजन से परिधीय एम्फीथीशियम तथा केंद्रीय एंडोथीशियम का निर्माण होता है। बेटा क्या होता है, जो कैप्सूल रीजन है, भ्रूण के कैप्सूल रीजन की कोशिकाओं में एक या दो अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और इन सभी कोशिकाओं में फिर परिणतिक विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बेटा एम्फीथीशियम का निर्माण होता है और एंडोथीशियम का निर्माण होता है। तो बेटा जो एंडोथीशियम है, अंतःस्थीशियम है, उसकी सभी कोशिकाएं बंधे ऊतक कॉलुमेला बनाती हैं। मतलब द सेल्स ऑफ द एंडोथीशियम फॉर्म ए सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू इन एंथोसीरोस कॉल्ड एज कॉलुमेला। मतलब एंडोथीशियम की सभी कोशिकाएं बंधे ऊतक कॉलुमेला बनाती हैं। कॉलुमेला कैप्सूल के तरुण भाग में चार उदग्र कोशिका पंक्तियों का बना होता है, जबकि परिपक्व भाग में कॉलुमेला 16 कोशिका पंक्तियों का बना होता है। तो एम्फीथीशियम की कोशिकाओं में एक परिणतिक विभाजन होता है, जिससे एक आउटर स्टेराइल जैकेट लेयर इनिशियल बनती है तथा भीतरी फलद स्तर बीजाणुजन कोशिकाएं स्पोरोजिनस सेल्स विभेदित होती हैं। तो याद क्या रखोगे, एंडोथीशियम से तो कॉलुमेला का निर्माण होता है, जबकि एम्फीथीशियम से स्टेराइल जैकेट लेयर इनिशियल व स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण होता है। मतलब फ्रॉम द एम्फीथीशियम स्टेराइल जैकेट लेयर इनिशियल एंड स्पोरोजिनस सेल्स आर फॉर्म्ड, वेयर एज फ्रॉम द एंडोथीशियम
स्टेराइल कॉलुमेला इज फॉर्मड। अब फलद स्तर की कोशिकाएं प्रभसूतक का कार्य करती हैं, मतलब द स्पोरोजिनस सेल्स इन एंथोसीरोस फंक्शन एज आर्कियोस्पोरियम। अब मैंने बताया कि इस जैकेट लेयर इनिशियल बनती है, तो प्राथमिक जैकेट स्तर की कोशिकाएं परिणतिक व अपनतिक विभाजनों के द्वारा 4 से 6 कोशिका स्तरों की कैप्सूल वॉल बनाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो कैप्सूल वॉल बनाती हैं। अब जैसे कि आपने पूछा आर्कियोस्पोरियम के बारे में प्रभसूतक, तो प्रभसूतक आर्कियोस्पोरियम कॉलुमेला को गुंबद के समान ढके रहता है। आर्कियोस्पोरियम प्रभसूतक कॉलुमेला को गुंबद के समान ढके रहता है तथा कैप्सूल के आधार भाग तक फैला रहता है। तो बेटा, शिशु प्रभसूतक कोशिकाएं छोटी होती हैं। यंग आर्कियोस्पोरियल सेल्स आर स्मॉल एंड दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। शिशु प्रभसूतक कोशिकाएं छोटी होती हैं एवं इनमें सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है और ये प्रभसूतक कोशिकाएं तलाभिसारी क्रम बेसिपिटल सक्सेशन में परिपक्व होती हैं। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन था, परिपक्व होने पर आर्कियोस्पोरियल सेल्स 2 प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित हो जाती है, मतलब ऑन मैच्योरिटी द आर्कियोस्पोरियम गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ सेल्स? स्पोर मदर सेल्स एंड द इलेटर मदर सेल्स। परिपक्व होने पर प्रभसूतक की कोशिकाएं 2 प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होती हैं। एक तो है बीजाणु मात्र कोशिकाएं, स्पोर मदर सेल्स, दूसरा है इलेटर मात्र कोशिकाएं, इलेटर मदर सेल्स। अब बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या होती हैं? ये बीजाणु मात्र कोशिकाएं बड़ी गोल या अंडाकार होती हैं। कैसी होती हैं? द स्पोर मदर सेल्स आर लार्ज स्फेरिकल और ओवल एंड दीज स्पोर मदर सेल्स हैव ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म एंड हैव ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। स्पोर मदर सेल्स में कैसी होती है? बीजाणु मात्र कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, गोल या अंडाकार होती हैं और इनमें कणिकामय साइटोप्लाज्म युक्त होती हैं तथा स्पष्ट केंद्र की होती हैं, मतलब बीजाणु मात्र कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसी प्रकार इलेटर मदर सेल्स, इलेटर मात्र कोशिकाएं, ये छोटी होती हैं, चपटी होती हैं, वह छोटे केंद्रक युक्त होती है, मतलब द इलेटर मदर सेल्स आर स्मॉल एंड फ्लैटेंड एंड दीज हैव ए स्मॉल न्यूक्लियस। और ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं स्पोर मदर सेल्स व इलेटर मदर सेल्स एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं, परंतु परिपक्व कैप्सूल में मिश्रित अवस्था में पाई जाती हैं। कॉलुमेला व जैकेट की असमान वृद्धि के कारण कैप्सूल भित्ति व कॉलुमेला के मध्य का स्थान बड़ा हो जाता है, जो बीजाणु मात्र कोशिकाओं तथा इलेटर मात्र कोशिकाओं द्वारा भर दिया जाता है। अब बेटा, जो स्पोर मदर सेल्स है, बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। द स्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन एज ए रिजल्ट ऑफ विच स्पोर टेट्राड इज फॉर्म्ड। बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप बीजाणु चतुष्क बनते हैं, स्पोर टेट्राड्स बनते हैं, जबकि इलेटर मात्र कोशिकाओं से
स्यूडो इलेटर्स, आभासी इलेटर्स परिवर्धित होते हैं, मतलब इलेटर मदर सेल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडो इलेटर्स। तो एक मत के अनुसार इलेटर मात्र कोशिकाएं तिर्यक व अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा, तिर्यक व अनुप्रस्थ ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स डिविजन्स द्वारा एक ढीले जाल के समान संरचना बनाती हैं, जो एक से चार कोशिकीय इलेटर्स में खंडित हो जाता है। अब कैप्सूल भाग में कॉलुमेला, प्रपसूतक तथा जैकेट विभेदित होने के पश्चात इसकी शीर्षस्थ वृद्धि रुक जाती है। इस अवस्था में पाद व कैप्सूल के मध्य स्थित सोपान से सीटा के स्थान पर एक मेरिस्टम ऊतक विभेदित होता है। अब बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट। मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ आपको। हाँ बेटा, इलेटर क्या होते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज ही नहीं आ रही मैडम, अच्छी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज साफ नहीं आ रही मैम नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही मैम आपकी आवाज। मैम आपकी आवाज कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम आप बोल रहे हो। मैम मीटिंग एंड करके दोबारा स्टार्ट कर दो। मैम रोबोट की तरह बोल रहे हो आप तो। मैम वाइब्रेट हो रही है आपकी आवाज। यस मैम। मैम नहीं आ रही, नहीं आ रही मैम। मैम समझ में नहीं आ रहा आप, नहीं आ रही कुछ समझ में नहीं आ रहा आप बोल रहे हो। मैम अजीब सी आवाज आ रही है आपकी। मैम एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करो।